हमारी यूपी के चंदौली से है, जहां पुटिया काली मंदिर के समीप ट्रक एक स्कॉर्पियो व पीएसी दवात की गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पीएसी जवानों में कुल 8 जवान शामिल थे, जिनमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सभी पीएसी जवान छत्तीसगढ़ वाहिनी पीएसी के बताए जा रहे हैं, जो चंदौली नवीन मंडी से जिला जज की सुरक्षा में स्कॉर्ट के रूप में जा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर चंदौली पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल चंदौली भर्ती करवाया, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया। कमलपति त्रिपाठी जिला अस्पताल के डॉक्टर की माने तो 8 लोग जिला अस्पताल हेतु चंदौली आए, जिनमें से 1 की मृत्यु तत्काल हो गई, जबकि 7 का इलाज किया जा रहा, जिनमें से 3 अति गंभीरों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सीएम साहब का कार्यक्रम कैंसिल हुआ किस वजह से और आज की यात्रा फिर आ गए कहाँ? हाँ, वो तो इसी आज की यात्रा यहाँ 80 घाट से आरंभ होके रामनगर चुनार होते हुए मिर्जापुर जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी मिर्जापुर में इस यात्रा में शामिल होंगे। आप सबको विदित है कि 27 तारीख को 2 यात्राएं शुरू हुई, 1 बिजनौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा का शुभारंभ किया और गाजीपुर से महामहिम राज्यपाल जी ने उसका शुभारंभ किया और 31 तारीख को कानपुर में दोनों यात्राओं का मिलन होकर एक बड़ा समापन कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल से ये यात्रा वाराणसी में है। कल आपने देखा वाराणसी में कितने उल्लासपूर्ण वातावरण में इस यात्रा का स्वागत हुआ। ये यात्रा गंगा जी का जितना प्रवाह उत्तर प्रदेश की सीमा में है, लगभग 1100 किलोमीटर, उस दूरी को तय करेगी दोनों यात्राएं और उस पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उस रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं, उनको सभी सरकारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, उससे आच्छादित किया जा सके, इसके लिए हर जगह जन चौपाल लगाई जा रही है, आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं जहां लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्ट्रेशन हो रहा है, निःशुल्क दवा उनको दी जा रही है। रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं सब में एक एक गंगा मैदान का निर्माण होगा, जिसमें खेलकूद की व्यवस्था होगी, ओपन जिम होगा, शौचालय होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी। उस रूट पर सभी ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जहां नहीं है वहां निर्मित किए जाएंगे, और इसलिए कि लोग शव को जो है वो गंगा जी में प्रवाहित ना करें। कृषि विभाग बहुत जगह कृषि मेले लगा रहा है, लोगों को जीरो बजटिंग कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पशु आरोग्य मेले लग रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, छात्रों के द्वारा आयोजन हो रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, और इस सब के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जनता इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास समाज में है ये कि गंगा जी का जो प्रवाह है वो अविरल निर्मल और पवित्रता के साथ हो, इसके लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी किसी तरह की गंदगी गंगा जी में प्रवाहित ना हो, इसके लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं और ये यात्रा अब आज की प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यात्रा यहाँ 80 घाट से आरंभ होके रामनगर चुनार होते हुए मिर्जापुर जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी मिर्जापुर में इस यात्रा में शामिल होंगे। आप सबको विदित है कि 27 तारीख को 2 यात्राएं शुरू हुई, 1 बिजनौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा का शुभारंभ किया
और गाजीपुर से महामहिम राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया और 31 तारीख को कानपुर में दोनों यात्राओं का मिलन होकर एक बड़ा समापन कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल से ये यात्रा वाराणसी में है। कल आपने देखा वाराणसी में कितने उल्लासपूर्ण वातावरण में इस यात्रा का स्वागत हुआ। ये यात्रा गंगा जी का जितना प्रवाह उत्तर प्रदेश की सीमा में है लगभग 1100 किलोमीटर उस दूरी को तय करेगी दोनों यात्राएं और उस पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उस रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं उनको सभी सरकारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, उससे आच्छादित किया जा सके, इसके लिए हर जगह जन चौपाल लगाई जा रही है, आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं जहां लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्ट्रेशन हो रहा है, निःशुल्क दवा उनको दी जा रही है। रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं सब में एक एक गंगा मैदान का निर्माण होगा जिसमें खेल कूद की व्यवस्था होगी, ओपन जिम होगा, शौचालय होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी। उस रूट पर सभी ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जहां नहीं है वहां निर्मित किए जाएंगे और इसलिए कि लोग शव को जो है वो गंगा जी में प्रवाहित न करें। कृषि विभाग बहुत जगह कृषि मेले लगा रहा है, लोगों को जीरो बजटिंग कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पशु आरोग्य मेले लग रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, छात्रों के द्वारा आयोजन हो रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है और इस सब के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जनता इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास समाज में है ये कि गंगा जी का जो प्रवाह है वो अविरल निर्मल और पवित्रता के साथ हो, इसके लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी किसी तरह की गंदगी गंगा जी में प्रवाहित ना हो इसके लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं और ये यात्रा अब आज की प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।